तो आज तक हमने सुपर हीरोज के स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर्स की बात की है, और ये जानना है कि कौन सा सुपर हीरो कितना पावरफुल है, किसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और कौन किसे हरा सकता है। लेकिन आज की वीडियो सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम MCU के सबसे अमीर सुपर हीरोज की बात करेंगे और जानेंगे कि MCU के 10 सबसे रिचेस्ट सुपर हीरोज कौन है। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। इस टॉपिक से हटकर अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे और जल्द से जल्द लाएंगे। तो अगर MCU के सबसे पावरफुल वेपन्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ब्रूस बैनर। डॉक्टर ब्रूस बैनर पेशे से एक न्यूक्लियर फिजिकिस्ट है, जिसकी एवरेज सैलरी की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर एक न्यूक्लियर फिजिकिस्ट की बेसिक एवरेज सैलरी लगभग $115,000 है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 80 से 90 लाख रुपए होते हैं। यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर हाईएस्ट पेड लोगों में से एक है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रूस बैनर के पास 7 PhD की डिग्री भी है, जो कि उसके प्रोफाइल को और कई गुना बड़ा करती है। और इस रीजन की वजह से वो अपने जैसे दूसरे न्यूक्लियर फिजिकिस्ट से कई ज्यादा अर्न करता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ही हल्की पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी। और डॉक्टर ब्रूस बैनर भले ही हल्क से कितना भी परेशान क्यों ना रहता हो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि हल्क की वजह से ब्रूस बैनर सभी तरह के डिजीज और इंजरी से इम्यून है। यानी कि ना तो ब्रूस बैनर को कोई बीमारी होती है और ना ही उसे कोई इंजरी होती है, जिस वजह से डॉक्टर ब्रूस बैनर के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस से बचे पैसे भी उसकी सेविंग्स में ही जाते होंगे। और इन्हीं सब रीजंस के कारण डॉक्टर ब्रूस बैनर का नाम MCU के सबसे रिचेस्ट लोगों में आता है। नंबर 9, मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर एक मर्सनरी है, जो कि कुछ चंद पैसों के लिए क्राइम्स करता है। लेकिन इसी मार्क स्पेक्टर के अंदर और भी कुछ पर्सनालिटीज हैं, जिनमें से एक पर्सनालिटी बिलियनर भी है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर मून नाइट की उस बिलियनर पर्सनालिटी का नाम स्टीवन ग्रांट होता है, जो कि ठीक कॉमिक्स की तरह ही MCU में भी एग्जिस्ट करता है। और भले ही अभी तक MCU में स्टीवन ग्रांट की वेल्थ को प्रॉपरली शो ना किया गया हो, पर मून नाइट सीरीज की एंड में हमें स्टीवन ग्रांट की अमीरी की एक झलक मिली जाती है, क्योंकि सीरीज के फाइनल एपिसोड के अंदर जो कार जेक लोगली ड्राइव कर रहा होता है उस कार की नंबर प्लेट पर शॉर्ट फॉर्म में स्पेक्टर लिखा होता है, यानी कि मार्क स्पेक्टर। इसीलिए ये बात तो जाहिर है कि MCU के अंदर भी मून नाइट की पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर एक बिलियनरी है, और स्टीवन ग्रांट की जो कार जेक लोगली ड्राइव कर रहा होता है वो कार रोल्स रॉयस की लिमोसिन होती है, जिस कार का प्राइस $450,000 से तो स्टार्ट ही होता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली स्टीवन ग्रांट की प्रॉपर वेल्थ हमें मून नाइट के सीजन 2 दिखाई जा सकती है। नंबर 8, प्रोफेसर एक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद म्यूटेंट्स, इनह्यूमंस और फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली MCU का पार्ट बन चुके हैं। इसीलिए MCU के अंदर एंट्री करते ही प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर MCU के सबसे अमीर सुपर हीरोज में शामिल हो चुके हैं। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर AKA प्रोफेसर एक्स बचपन से ही बहुत अमीर है, और अपनी फैमिली से इनहेरिटेंस में इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बड़े बड़े मेंशंस और जेट्स मिले हैं। और अपने इन्हीं मेंशंस में से एक में प्रोफेसर एक्स अपना जेवियर स्कूल भी चलाते हैं। इसके अलावा कॉमिक्स की माने तो प्रोफेसर एक्स एक बहुत ही कमाल के इन्वेस्टर भी हैं, और इनकी की गई इन्वेस्टमेंट्स इन्हें बहुत प्रॉफिट देती है। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक्समैन के लिए डिफरेंट तरह के वेपन्स भी डिजाइन करते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में एक्समैन की हेल्प भी करते हैं। और इसीलिए इन्हीं सब रीजंस के चलते प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर MCU के सबसे रिचेस्ट सुपर हीरोज में से एक है। नंबर 7, स्टार लॉर्ड AKA पीटर क्विल ईगो द सेलेस्टियल का बेटा है, जिसे बचपन में योंडू किडनैप कर लेता है और बाद में आगे चलकर उससे बड़ी बड़ी चोरियां करवाता है। लेकिन बात करें अभी की, तो आज की तारीख में पीटर क्विल कई सारी स्पेसशिप्स का ओनर है, जो कि बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और बात करें पीटर क्विल के स्पेसशिप्स के कॉस्ट की, तो कंपैरिजन के लिए नासा के एक स्पेस शटल की कॉस्ट लगभग $1.7 बिलियन है, और वहीं स्टार लॉर्ड के द्वारा यूज की जाने वाली स्पेसशिप जिसका नाम मिलानो है वो नासा के स्पेस शटल से कई ज्यादा एडवांस है। इसीलिए पीटर क्विल के मिलानो की कॉस्ट नासा के स्पेस शटल से कई ज्यादा है। इनके अलावा अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दोनों मूवीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि MCU के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स पर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक इंटरगैलेक्टिक करेंसी की जरूरत पड़ती है, जिसे आसान भाषा में यूनिट्स कहा जाता है। और जब गार्डियंस की सेकंड मूवी में कलेक्टर ऑर्ब के बदले में गमोरा को 4 बिलियन यूनिट्स देता है, तब उसमें से 1 बिलियन यूनिट पीटर क्विल को भी मिलता है। और एक यूनिट की डॉलर में वैल्यू निकाली जाए तो वो लगभग $2.33 बनती है, यानी कि 1 बिलियन यूनिट्स की वजह से पीटर क्विल $2.33 बिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो कि इसकी नेट वर्थ को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है।
नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक सॉर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं, जिनके सिर के ऊपर पूरे यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन एक सॉर्सरर होने से पहले डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक न्यूरोसर्जन है, जो कि अपने करियर के दौरान 6 फिगर सैलरी चार्ज करते थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दुनिया की सबसे महंगी महंगी कार्स और वॉचेस का कलेक्शन भी है, जो कि डायरेक्टली इनकी बेशुमार दौलत को दर्शाती है। और इन सबसे हटकर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स की बात करें तो अपने मैजिक से वो गोल्ड, सिल्वर और इवन डायमंड जैसे मेटल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैजिक वाले फैक्टर को इंक्लूड ना भी करें तो भी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक बिलियनर है, जो कि एमसीयू के सबसे अमीर सुपर हीरोज में आते हैं। नंबर 5 मिस्टर फैंटास्टिक। रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में से एक होने के साथ साथ सबसे रिचेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक है। मार्वल का इलास्टिक मैन मिस्टर फैंटास्टिक फैंटास्टिक फोर टीम का लीडर और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, जो कि कई सारे कमाल के इन्वेंशन को इन्वेंट कर चुका है और उन पर अपना पेटेंट भी ले चुका है, जिनकी वजह से उन्हें कई मिलियंस और बिलियंस की कमाई होती है। लेकिन अपने इस वेल्थ को मिस्टर फैंटास्टिक मैनकाइंड की भलाई के लिए यूज करते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक एमसीयू के अंदर भी एक बिलियनर है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मिस्टर फैंटास्टिक की नेटवर्थ लगभग 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। नंबर 4 टोनी स्टार्क। एमसीयू का जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क स्टार्क इंडस्ट्रीज का ओनर है, वो भी मैक्सिमम शेयर्स के साथ। स्टार्क इंडस्ट्रीज टोनी को उसके फादर से मिली है और टोनी के फादर की डेथ के बाद जब टोनी को ये कंपनी मिली थी तब स्टार्क इंडस्ट्रीज कंपनी की वैल्यू सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स में थी। लेकिन टोनी स्टार्क ने अपने जीनियस माइंड से अपनी मिलियन डॉलर कंपनी को एक बिलियन डॉलर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ टोनी स्टार्क के डेवलप किए हुए एडवांस मिलिट्री गियर, हाई एफिशिएंसी रिएक्टर्स और नैनो टेक्नोलॉजी से। और इन सब एडवांसमेंट की वजह से टोनी स्टार्क की नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की हो गई। और एस्टिमेट किया जाए तो टोनी स्टार्क यानी कि हमारे आयरन मैन की वेल्थ लगभग 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 3 ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट खुद एक इनह्यूमन होने के साथ साथ सभी इनह्यूमंस का राजा भी है, जो कि इनह्यूमन रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ब्लैक बोल्ट इनह्यूमंस की सिटी एटलियन का रूलर है, जो सिटी हिमालयस के अंदर एक हिडन प्लेस पर है। और ये सिटी ऐसी जगह पर छुपी हुई है जहां पर इसे कोई भी ह्यूमन नहीं ढूंढ सकता। इनह्यूमंस क्री के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, जिस वजह से इनह्यूमंस के पास क्री का एडवांस टेक भी है और टेरिजन क्रिस्टल्स भी है, जो टेरिजन क्रिस्टल्स किसी भी इनह्यूमंस की अनएक्टिव इनह्यूमन पावर्स को एक्टिव कर सकते हैं और उसे एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्रिस्टल्स इतने ज्यादा प्रीशियस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, इसीलिए ये सारी चीजें ब्लैक बोल्ट की वेल्थ को 250 बिलियन डॉलर्स के करीब लाती है और ब्लैक बोल्ट को एमसीयू के रिचेस्ट सुपर हीरोज में से एक बनाती है। नंबर 2 थॉर। एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन का बेटा थॉर ओडिनसन एसगार्ड की रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, इसीलिए थॉर के पास उन सभी चीजों का एक्सेस है जिसकी उसे जरूरत है। एसगार्ड सभी तरह की रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल से भरा हुआ है, जिस वजह से एसगार्ड के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसके अलावा एसगार्ड का महल पूरा सोने का बना है, जिस वजह से उस पूरे महल की कॉस्ट बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस में है। और क्योंकि थॉर इस पूरे एसगार्ड का राजा है, इसीलिए थॉर के पास पूरे एसगार्ड का एक्सेस है, जो कि थॉर को एमसीयू के अंदर एक ट्रिलियनर बनाते हैं। लेकिन लगता है थॉर भाई का टाइम अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। नंबर 1 ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वाकांडा का राजा है और टिचाला की नेटवर्थ इसकी कंट्री की जीडीपी और रिजर्व मिनरल से जुड़ी हुई है। टिचाला का देश वाकांडा वाइब्रेनियम से भरा हुआ है और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वाकांडा के अंदर लगभग 10,000 टन वाइब्रेनियम है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार ये रिवील किया गया है कि 1 ग्राम वाइब्रेनियम की कॉस्ट लगभग 10,000 डॉलर्स है। और इसीलिए वाइब्रेनियम की वजह से वाकांडा पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश है। और वाकांडा के राजा टिचाला की नेटवर्थ भी मिलियंस या बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में है और वो पूरे एमसीयू का सबसे अमीर सुपर हीरो है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे अमीर सुपर हीरोज के ऊपर एक रैंकिंग वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो ला सकें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।